कच्चे मकान की दीवार गिरने से ननिहाल आए दो बच्चों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंचे प्रयागराज जिलाधिकारी संजय खत्री व एसएसपी शैलेश पांडे ने परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने का दिया आश्वासन। हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले सराय ममरेत थाना क्षेत्र के छतौना गांव में जर्जर कच्चा मकान की दीवार गिरने से घर के पास खेल रहे 5 वर्षीय अमित शर्मा पुत्र मंगला प्रसाद शर्मा व 4 वर्ष की श्रेया शर्मा पुत्री अभयराज शर्मा की मौके पर मौत हो गई। शोर शराबा होने पर भाग दौड़ आए ग्रामीणों ने तत्काल पूरे मामले की सूचना थाना सराय ममरेश को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मैफोर्स के साथ थाना अध्यक्ष सराय ममरेश तरुणेंद्र त्रिपाठी, एसडीएम हंडिया रमेश मौर्य, ग्रामीणों की मदद से दीवार हटवाकर बच्चों को बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि दोनों मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें आवास भी आवंटित कराया जाएगा। अगर उनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो पीड़ित को आवासीय पट्टा भी दिया जाएगा, साथ ही हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम सहयोग करेंगे। ग्राम छतौना थाना सराय ममरेज, यहाँ पर आज सुबह 11 बजे सूचना मिला कि दो बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच हैं दीवार गिरने के नीचे दब गए हैं। तो जब हमारी तत्काल से टीम और पहुंची, चेक वेक किया तो दो बच्चों की मृत्यु हुई है और उनके दोनों के पिता सूरत में रहकर काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पहुंचे, हमने उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके दादा नाना सबसे बात बात किया है, बड़ा गरीब परिवार है और हमने बताया कि जो भी आर्थिक मदद संभव है हम उनको देने वाले हैं और प्रत्येक बच्चे की डेथ पर हम लोग 4 लाख रुपया देंगे। और इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब को बता दिया है कि आप चिन्हित कर लीजिए, अगर ज़मीन का पट्टा हो सकता हो तत्काल से कराइए और आवास का लाभ देने के लिए भी मैंने बताया है। एक परिवार के पास कच्चा आवास है, एक परिवार के पास पक्का आवास है, तो जिनके पास कच्चा आवास है उनके लिए मैंने बताया कि उनको तत्काल आवास भी प्रदान करें। बाकी जो परिवार है हर तरीके से पूरा प्रशासन और पुलिस उनके साथ है, हर संभव उनकी मदद की जाएगी।